तो दोस्तों, मैं आसाराम अजमेरा यूट्यूब चैनल से, इलेक्ट्रिकल चैनल से, आज हम आपको ये उपचार बताएंगे कि पानी गर्म कैसे होता है और किस चीज़ से होता है, वो सभी बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो कोई गलत नहीं होती, चाहे तो आप चैनल के अंदर पूरी वीडियो देख सकते हो और ये भी देख सकते हो कि हमारे मार्केट के अंदर हमारी दुकान है, जैसे कि बस स्टैंड पे, और हम रहते हैं राजस्थान टोंक जिले में, और ककोड़ में हमारा गांव है। तो देख लीजिए, एक उपचार बना रहे हैं दोस्तों, तो पानी गर्म करने की राड बना रहे हैं दोस्तों। वैसे तो 400 रुपये की आती है, जो कि इस प्रकार की होती है। मैं बता देता हूँ आपको, कुछ इस प्रकार की राड आती है, और ये तो ख़राब हो चुकी है, तो अब क्या करें, क्योंकि 400 रुपये तो मेरे पास है ही नहीं। और अब मैं वैसे इससे भी जल्दी पानी गर्म करना चाहता हूँ, और ऐसा कोई उपचार बनाना चाहता हूँ जिससे बहुत ही बढ़िया पानी बहुत ही जल्दी गर्म होए, जैसे कि 5 मिनट में एक बाल्टी भरा पानी को पूरे को गर्म कर दे, इतना गर्म कर दे कि हाथ लगाएं तो वह जल जाए। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम आसाराम अजमेरा यूट्यूब चैनल से शुरू करते हैं, और अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। इससे ये होगा कि हमारे नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं लेना दोस्तों, इस प्रकार का एक आरे का पन्नर लेना है। आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों ये तो लोहे का है, तो लोहे पे करंट आएगा। दोस्तों, ये चीज मत सोचिए कि पानी में कभी भी करंट नहीं आता, अगर जो पेस्ट बढ़ते नहीं है तब कभी भी करंट नहीं आता। इस प्रकार के 2 पन्नर ले लीजिए और बराबर बराबर दोनों को काट लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में एक गुट्टा लीजिए, गुट्टे पे दोनों साइड इन दोनों फंदरों को बांध देना है, जैसे कि मैं बांध के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से बांध लीजिए दोस्तों, और जैसे अच्छे से बांध लेना है, दोनों फंदर टच नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये गुट्टा लिया है। और दोस्तों, मैं चाहता तो प्लेन वाला गुट्टा भी ले लेता, हमारे गुट्टे भी पड़े हैं, पर उसमें अपने को क्या है कि इसमें बांधने में कोई दिक्कत आती है, जैसे कि वायर लगाने में और टचिंग होने में, तो इस वजह से मैंने ये गुट्टा लिया है 200 अंकों वाला, तो उस पर टचिंग भी नहीं होगी और दूर दूर भी रहेगी, और वायर लगाने में भी बहुत आसानी होगी। तो 3 जगह से और बांध लेते हैं दोस्तों, एक यहाँ से और एक यहाँ से भी बांध लेते हैं फटाफट से। तो चलिए, हमने अच्छी तरह से बांध लिए दोस्तों इसको 3 जगह से, अब ये हिलेगी नहीं और ये इधर से हिलने भी नहीं देगा। तो अब हम जल्दी से वायर लगा लेते हैं। और दोस्तों, वायर लगाने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, हम चाहते तो इसको प्लास्टिक की पास से भी बांध सकते थे, वह क्यों नहीं बांध पाए, प्लास्टिक की पात भी हमारे पास में मौजूद पड़ी है, पर इसमें क्या है कि प्लास्टिक की पात गर्मा के जल जाती है, इस वजह से हम धागे से बांधा है और धागे का यूज किया है। तो दोस्तों, धागे से ही बांधना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और इसी प्रकार से हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। अब इसमें वायर लगा देते हैं, जो कि आपको चलाकर दिखाना है। अभी इस प्रकार से हमने इसके 2 वायर जोड़े हैं दोस्तों, जो कि आप देख सकते हो, हमने कोई भी इसमें कोई चालाकी नहीं की है, आपके सामने दिखाई दे रही है, देख लीजिए दोस्तों, इधर भी देख लीजिए, कोई चालाकी नहीं है दोस्तों, और आपके सामने वैसे के वैसे 2 वायर जोड़े हैं, देख लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये वायर है, जो कि वायर का टुकड़ा है एल्यूमिनियम का। अब हम इसमें एक बोर्ड में वायर लगाते हैं और इस बाल्टी को गर्म करके देखते हैं, सॉरी थोड़ा पानी लेकर गर्म करके देखते हैं। तो हमने कुछ इस प्रकार से थोड़ा पानी लिया है, जो कि एक मग्गे में भरा हुआ है, और कुछ इस प्रकार से एक बोर्ड लिया है जिसके अंदर हमने ये चलानी है। तो इसमें लाइट आई या नहीं हम आपको दिखा देते हैं, 220 वोल्ट इसमें लाइट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ इसको इसमें डबो लेते हैं, पानी में डबो लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये मग्गा छोटा होने के कारण
वाइड टच नहीं हो पा रहे, तो चलो हम आगे दूसरे में भी लगा के दिखा देते हैं। पहले इसमें चेक करके देख लेते हैं, तो इसमें हम आपको लगा देते हैं। सॉरी दोस्तों, पहले प्लास से लगा के चेक कर लेना है, कहीं फाल्ट तो नहीं होगी वजह से। फिर इसमें पानी में तो दोस्तों हमें मालूम नहीं पड़ा कि इसमें 250 वोल्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, तो इस वजह से हमने ये मीटर लिया है और मीटर से चेक करके देखेंगे कि इसमें 250 वोल्ट बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो ये मीटर को लगा दिया हमने यहाँ पे, एक पैस में तो लगा दिया और एक पैस में चेक करते हैं दोस्तों, तो 250 वोल्ट नहीं दिखा रहा है दोस्तों, वजह से ये चल नहीं पा रहा था। चलिए 250 वोल्ट चेक करते हैं, अब मिले हैं दोस्तों इसको, अब 250 वोल्ट मिल रहे हैं। तो देखिए जो दोस्तों पानी गर्म होने लग रहा है और ये 250 वोल्ट दिखा रहा है, इधर पानी गर्म हो रहा है दोस्तों, देख लीजिए। कोई चालाकी नहीं है दोस्तों वीडियो में, देख लीजिए दोस्तों, लोड भी पड़ रहा है, पानी भी गर्म हो रहा है। अभी तक दोस्तों हमारे YouTube आश्रम अजमेरा YouTube चैनल और इलेक्ट्रिकल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, इसी होगा कि हमारे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको एक बार बाहर निकाल के पानी चेक कर लेते हैं कि कितना गर्म हुआ और कितना नहीं हुआ। तो दोस्तों पानी गर्म हो चुका है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से पानी गर्म हुआ है, कुछ ज़्यादा 1 मिनट ही डाला था दोस्तों मैंने, इससे ज़्यादा टाइम में तो नहीं डाला था, तो बहुत अच्छे से पानी गर्म हुआ है दोस्तों। आपको दिखाया था मैंने उबलता हुआ पानी, तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसी कुछ नई नई चीज़ें वैज्ञानिक द्वारा जो अपने पास में आती जाती रहती है दोस्तों, तो हम इस चैनल पर दिखाने वाले हैं दोस्तों। वैसे मैंने बहुत ही वीडियो पहले भी बताई थी दोस्तों, और मैं मोटर वाइंडिंग का काम करता हूं दोस्तों, इसकी वीडियो भी मैंने इसमें छड़ा रखी है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी हो, अगर आपको वाइंडिंग का काम सीखना है तो हमारे चैनल से आप सीख सकते हो। तो दोस्तों तो ये अपनी छोटी सी दुकान है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना दोस्तों, तो हमारे चैनल को फटाफट से आगे बढ़ाना है दोस्तों, 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटे पूरे करना है। ठीक है दोस्तों।